आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण और प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज ये ऑनलाइन जो वेबिनार है, इसका आयोजन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर हम कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा की ओर से इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 21 मई को हर वर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे शांति और अहिंसा प्रिय देश में भी आतंकवाद एक मुख्य समस्या के रूप में बरसों से रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद एक समस्या के रूप में आज भी चुनौती बना हुआ है। वो चाहे हम उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में देखें, चाहे हाल ही की घटनाओं में इजराइल और फिलिस्तीन का मसला हम देखें, या भारत और पाकिस्तान, ये तो कुछ ज्वलंत और कुछ गिने चुने उदाहरण हैं। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में आतंकवादी घटनाएं होती रहती है और किस तरह से चरमपंथी और आतंकवादी लोग जो है वो आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। तो आज का ये दिन शांति और अहिंसा को समर्पित है। आज के दिन 21 मई 1996 में भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की एक आत्मघाती बम हमले में हत्या कर दी गई थी, जो कि बहुत जघन्य आतंकवादी घटना थी। उसके बाद उन्हीं की याद में राजीव गांधी, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी याद में भारत सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये दिन खास करके युवाओं और तमाम जो शांति प्रिय लोग हैं, किस तरह हम मिल करके आतंकवाद की घटनाओं के प्रति अपना विरोध दर्ज करें, शांति और अहिंसा के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और आतंकवाद को समाज में कहीं कोई स्थान ना मिले, इसके लिए ये दिन समर्पित है। मैं आज के इस दिन की शुरुआत एक ताजा कविता से करना चाहूँगा। कविता कृष्ण पल्लवी, जो कवित्री हैं, उनकी अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, गाजा पट्टी पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के कविता लिखी गई है। साथियों, मैंने अभी दो दिन पहले इस कविता को पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर हम इस कविता को साझा करें। गाजा के एक बच्चे की कविता, ये इस कविता का शीर्षक है। कविता कृष्ण पल्लवी। एक बच्चा किस तरह अपने पिता से बात कह रहा है अपने मन में। बाबा, मैं दौड़ नहीं पा रहा, खून सनी मिट्टी से लथपथ, मेरे जूते बहुत भारी हो गए हैं, मेरी आंखें अंधी होती जा रही हैं, आसमान से बरसती आग की चकाचौंध से। बाबा, मेरे हाथ अभी पत्थर बहुत दूर तक नहीं फेंक पाते और मेरे पंख भी अभी बहुत छोटे हैं। बाबा, गलियों में बिखरे मलबे के बीच छुपम छुपाई खेलते कहाँ चले गए मेरे तीनों भाई, और वे तीन छोटे छोटे ताबूत उठाए दोस्तों और पड़ोसियों के साथ तुम कहाँ गए थे। मैं डर गया था बाबा कि तुम्हें पकड़ लिया गया होगा और कहीं किसी जगह बंद कर दिया गया होगा। जैसा हुआ अहमद, माजिद और सफी के अब्बाओं के साथ, मैं डर गया था बाबा कि मुझे तुम्हारे बिना ही जीना पड़ेगा, जैसे मैं जीता हूँ अम्मी के बिना, उनके दुपट्टे के दूध सने साए और लोरियों की यादों के साथ। मैं नहीं जानता बाबा कि वे लोग क्यों जला देते हैं जैतून के बागों को, नहीं जानता कि हमारी पुस्तकों का मलबा उठाया क्यों नहीं गया अब तक, और नए घर बनाए क्यों नहीं गए अब तक। बाबा, इस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे ही जैसे, और उनके भी वालिदैन होंगे जो उन्हें ढेरों प्यार देते होंगे। बाबा, क्या कभी वे हमारे बारे में भी सोचते होंगे। बाबा, मैं समंदर किनारे जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने, अगर मुझे बहुत देर हो जाए तो तुम लेने जरूर आ जाना, तुम मुझे गोद में उठा कर लाना और एक बड़े से ताबूत में सुलाना, ताकि मैं उसमें बड़ा होता रहूं, तुम मुझे अमन चैन के दिनों का एक पुरसुकून नगमा सुनाना, जैतून के एक पौधे को दरख्त बनते देखते रहना और धरती की गोद में मेरे बड़े होने का इंतजार करना बाबा। तो साथियों, ये कविता एक बच्चे के मन की कविता, जो आतंकवाद की घटना से पीड़ित है, जो आतंकवाद का शिकार है, और ऐसा एक नहीं, दुनिया में हजारों हजारों लोग हैं, हजारों हजारों बच्चे हैं
जो निरंतर आतंकवादी घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। तो आज का ये दिन आतंकवाद विरोधी दिवस इसी तरह की आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ एक मुहिम, एक आवाज और एक जागरूकता लाने के लिए समर्पित है। आइए इस दिन के बारे में कुछ और जानकारी साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करूं श्री मोहित कुमार सर को, जो आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन देंगे। मोहित सर। थैंक यू स्वामी सर। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, आज के दिन भी हम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के साथ साथ आज का जो दिवस है वो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आतंक वाद जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आतंक और दूसरा है वाद। आतंक जो भी है उसके रास्ते पर चलना आतंकवाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस आतंकवाद से पीड़ित ना। आतंकवाद के प्रकारों में लेकर देखें तो वर्तमान समय में साइबर आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा उठ करके सामने आ रहा है, जिससे कि सभी मानव जाति किसी न किसी रूप में हमेशा ही प्रभावित रही। और भारत सदैव से ही अहिंसा का पुजारी देश रहा है और हमेशा से ही आतंकवाद का विरोध करता रहा है। आतंकवाद चाहे पराराष्ट्र आतंकवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आतंकवाद हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी देश को अवश्य ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि वर्तमान समय में भी यूएनओ जैसी संस्थाएं आज तक आतंकवाद की परिभाषा को लक्षित नहीं कर पा रही। जहां आतंकवाद कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए खतरा है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विज्ञान का योगदान भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपराधिक तत्व जो है वो कर रहे। हम युवा नेता के रूप में श्री राजीव गांधी, जो भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति जो है आतंकवाद के कारण ही दी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक आतंकघाती हमले के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। और वो हमले की जिम्मेवारी एक आतंकवादी संगठन जिठे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ने ली। और इसका मुख्य कारण जो माना जाता है 1987 के अंदर श्रीलंका के अंदर जो भारत ने शांति सेना भेजी थी, उसका ये मुख्य कारण माना जाता है कि कहीं वहां की जो लिट्ठे और श्रीलंका सरकार के मध्य जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को ही मुख्य कारण माना जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत होते हुए राजीव गांधी ने वहां पर जो सेना भेजी थी उसके कारण जो है उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आतंकवाद एक आज वैश्विक बीमारी के रूप में हमारे सामने खड़ी, और इसका इलाज हमें केवल भारत की सरकार या अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर जितनी भी सरकारें हैं उनकी ही जिम्मेवारी नहीं बनती है, प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेवारी बनती है कि आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई जाए। अंत में केवल इतना ही कहूंगा, आतंकवाद कहीं ना कहीं आज प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, और सबसे बड़ा उसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि व्यक्ति जाने और अनजाने में भी आतंकवाद का साथ दे देता है। धन्यवाद। धन्यवाद मोहित सर। निश्चय ही आतंकवाद के नए नए रूप प्रतिदिन आतंकवादी जो लोग हैं, जो इस तरह के चरमपंथी तत्व हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं और नई नई तकनीक के माध्यम से, जैसा मोहित सर कह रहे हैं, साइबर क्राइम या साइबर आतंकवाद जो है वो भी उसका एक हिस्सा हो गया है। और हम जाने अनजाने बहुत बार इस तरह की घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। तो आज का ये दिन उसी के प्रति जागरूकता लाने और ख़ास करके युवाओं में आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करने का संदेश देने के लिए ये दिन भारत सरकार की ओर से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, अब हम इस अवसर पर जो शपथ ग्रहण मुख्य आज के इस अवसर पर हमको लेनी है, शपथ ग्रहण करनी है आतंकवाद के विरोध में, उसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब अपने अपने स्थान पर शपथ ग्रहण करेंगे। मैं शपथ जो है पढ़ूंगा और उसके पीछे आप उसका अनुसरण करेंगे अपने स्थान पर, और शब्दों के माध्यम से ली गई ये शपथ हम अपने व्यवहार और दैनिक क्रियाकलाप में भी शामिल करें। तो मैं ये शपथ माननीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से सभी शिक्षक साथियों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली
और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, शपथ आतंकवाद के विरोध में, इस तरह हम सब मिल करके आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करें, जिससे इस तरह की आतंकवादी जो घटनाएं हैं और जो आतंकवादी लोग हैं वो कमज़ोर पड़े और उनकी ये जो मुहिम है वो कभी सफल ना हो सके। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में माननीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ इस अवसर पर अपना संदेश और मार्गदर्शन देने के लिए। माननीय प्राचार्य महोदय, गुड आफ्टरनून। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज के दिन आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, युवा और तेजस्वी नेता माननीय श्री राजीव गांधी जी का हत्या कर दी गई थी। और ये जो साजिश रची गई, कहीं ना कहीं जब एक विचार, एक सोच को दबाने का प्रयास होता है और जब ये ऐसी ताकतें जो किसी भी देश के लिए, सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए, उसको खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए कार्य करती है, वो ऐसी सोच को दबाने के लिए ऐसे जघन्य अपराध करती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हुए नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलने का प्रयास। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर, सद्भाव के रास्ते पर चले, शांति के रास्ते पर चले। अगर आप इतिहास को देखें तो गांधी परिवार एक ऐसा रहा है जिसने दो दो बलिदान इस देश के लिए दिए, अपने प्राण न्योछावर किए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की माता जी, जिनको हम सभी आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका बलिदान, राजीव गांधी जी का बलिदान और इस देश के लिए जो उन्होंने किया है उसको हमेशा याद रखें। अपने छोटे से दंभ के लिए, अहंकार के लिए, किसी को छुपाने के लिए ऐसे जो बेचारे कहें या यूं कहें कि बिना किसी कसूर के बेकसूर नागरिकों की हत्याएं करते हैं, बड़े बड़े शासक या अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है में मैं एक वीडियो देख रहा था, एक 10 वर्ष की बच्ची, आप लोगों ने देखा तो वायरल हुआ था उसमें, और उसने मन को झकझोर दिया। वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, फिलिस्तीन की बच्ची है वो, मैं आई एम जस्ट 10 ईयर ओल्ड, व्हाट आई कैन डू, आई कांट डू एनीथिंग, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट पीस, बट थिंक नो पीस। और वो ऐसे बच्ची रो रही थी। अगर उस चीज को देखा जाए, उस पीड़ा को महसूस किया जाए, तो जो ये आतंकवादी ताकते हैं, जो हमारे देश को या पूरे विश्व को जो अलग थलग करती है, ऐसी ताकतों को पहचानने के लिए और उनको कमजोर करने के लिए, उनकी मुहिम को कमजोर करने के लिए, भाईचारे और शांति को बचा के रखने के लिए इस दिवस की महत्ता और बढ़ जाती है। आज तो ये आतंकवादी विरोधी है, हम बच्चों को सिर्फ यही संदेश दें, हम अपने विवेक से,
अपनी मानसिक बुद्धि से फैसला लें और इस पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का पाठ सभी को पढ़ाएं और जितना हो सकता है समानता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दें। यही एक सार्थक श्रद्धांजलि होगी राजीव गांधी जी के चरणों में और इस दिन का, इस दिवस का एक सार्थक महत्व होगा कि अगर हम बच्चों के अंदर ये एक गुण, ये वैल्यू अगर हम इनकल्केट कर पाए, वो गलत और सही में फर्क जान सके, वो शांति, सद्भाव और समानता को पहचान सके और इस विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक शांति दूत की तरह कार्य करें और उसके साथ साथ शांति का प्रचार। तो ये जो दिवस है वो उसका आयोजन, हमने जो ये आज प्रतिज्ञा ली है, प्लेज लिया है, वो उसमें बच्चे भी नहीं और उसके साथ साथ उसका अक्षरश पालन हर एक अध्यापक, हर एक विद्यार्थी उसका पालन करें। जितना हमसे हो सकता है, जिस पद में हम हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं, हम वहाँ पे शांति और भाईचारे को बना के रखें और आतंकवादी विरोधी को कमजोर करें। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चय ही ये छोटे छोटे प्रयास जो आतंकवाद के विरोध में किए जा रहे हैं, ये सार्थक होंगे। हम ये संदेश विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं और आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर ली गई ये शपथ हम सब के भीतर आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ एक ऊर्जा और एक जो विरोध की भावना है उसको हमारे भीतर जगाए, ताकि हम अपने स्तर पर शांति और सद्भाव को कायम रख सकें और आतंकवादी गतिविधियों को कमजोर कर सकें। एक बार पुनः मैं माननीय प्राचार्य महोदय का इस अवसर पर इस संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। तो आतंकवाद विरोधी दिवस के इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा की ओर से इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन आज किया गया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं।